हे गाइस, तो आज के वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप फ्रीचार्ज में से इलेक्ट्रिक बिल पेमेंट कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक बिल पेमेंट करने के लिए आपको 25 रुपये के कैशबैक ऑफर दिया है और बहुत सारे यहाँ पे आपको ऑफर मिल जाएंगे बिल पेमेंट का। तो यहाँ पे गैस बिल का, ब्रॉडबैंड का और यहाँ पे DTH का बहुत सारे ऑफर यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। तो ये है प्रोमो कोड वाला ऑफर और यहाँ पे एक्स्ट्रा ऑफर यहाँ पे क्लिक करके आपको दिखा देता हूँ ऑफर के सेक्शन पे क्लिक करके। तो यहाँ पे आपको सुपर ऑफर पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऑफर सारे नज़र आएंगे। तो यहाँ पे गाइस आप देख सकते हैं ये गैस बिल का ये ऑफ़र है। यहाँ पे आपको बिल पेमेंट का जो होता है एक्टिव नाउ पे क्लिक करना होता है। क्लिक करने के बाद माई ऑफर पे के सेक्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको दिखाई देगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये DTH का मैंने एक्टिव कर चुका हूँ और यहाँ पे बिल पेमेंट का मैंने एक्टिव कर चुका हूँ पहले से। तो यहाँ पे 80 रुपये का टोटल कैशबैक आपको मिलेगा बिल पेमेंट का। तो ये इलेक्ट्रिक बिल पेमेंट में जाता है, गैस बिल में भी जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये आपको ये ऑफ़र आपको एक्टिव करने के बाद यहाँ पे दिखेगा। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको 300 रुपये से ज़्यादा पेमेंट करना होगा तभी जाके ये कैशबैक आपको मिलेगा। तो यहाँ पे आप फास्ट पेमेंट पे आपको 20 रुपये मिलेंगे, सेकंड पेमेंट पे 25 रुपीज़ और थर्ड पेमेंट पे आपको 35 रुपीज़ मिलेंगे। टोटल होकर 80 रुपये यहाँ पे आपको कैशबैक मिल जाएगा। तो तीन बार आप इलेक्ट्रिक बिल पेमेंट करते हैं तो 3 बार कैशबैक मिलेगा। टोटल होकर 80 रुपये आपको कैशबैक मिलेगा। ये कैशबैक आपके फ्रीचार्ज वॉलेट में रहता है। वो वॉलेट का पैसा आप रिचार्ज वगैरह करके यूज कर सकते हैं या फिर फ़ोनपे में भी यूज कर सकते हैं। आपका फ्रीचार्ज नंबर, फ़ोनपे नंबर एक ही है तो आप फ़ोनपे में भी वो पैसे को यूज कर सकते हैं रिचार्ज वगैरह करके। तो यहाँ पे हम बैंक में चल और यहाँ पे इलेक्ट्रिक बिल भरने के लिए यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद गाइस आपका जो कौन सा कंपनी का इलेक्ट्रिक है यहाँ पे सिलेक्ट करना है। यहाँ पे देखो प्रोमो कोड का ये ऑफ़र है, आप अगर 1000 से ज़्यादा यहाँ पे पेमेंट करते हैं तो UPI पाओ ये प्रोमो कोड डालने के बाद आपको 25 रुपये का कैशबैक मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको कौन सा कंपनी का आपका इलेक्ट्रिसिटी है यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है। आपके एरिया में कौन सा कंपनी का लगा है ये आपको कैसे पता चलेगा, ये आपके बिल में लिखा होगा यहाँ पे पता चलेगा। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे बिल पे यहाँ पे लिखा हुआ है वेस्को यूटिलिटी, ये कंपनी का नाम है। कंपनी यहाँ पे आपको ढूंढना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये कंपनी तो यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे बिल पेमेंट नहीं कर सकते। तो चलो आपको बताने के लिए कोई सा भी आपको यहाँ पे बताने के लिए आपको कोई सा भी सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे अदानी मुंबई पे क्लिक कर लेता हूँ। चलो तो क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ पे आपको कस्टमर आईडी लिखना है। तो यहाँ पे कस्टमर आईडी आपको आपके बिल में ही मिलेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं अकाउंट नंबर या फिर कस्टमर आईडी दोनों लिखा होगा। तो अकाउंट आईडी, अकाउंट नंबर, कस्टमर आईडी ऐसा लिखा होता है, ये नंबर आपको डालना पड़ता है। ऐसा ही नंबर यहाँ पे देख सकते हैं अकाउंट नंबर लिखा है। तो यहाँ पे नंबर डालने के बाद यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करना होता है। क्लिक करने के बाद गाइस आपका कितना पेमेंट है, कितना पेमेंट आपको पे करना है यहाँ पे सब कुछ बताएगा और नाम वगैरह सब कुछ निकलेगा, किसके नाम से बिल है सब कुछ निकलेगा। उसके बाद आपको पेमेंट करने के लिए आप नेट बैंकिंग, UPI ID या फिर आप जो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से भी पेमेंट कर सकते हैं। आप जो बैंक ऐड किए हो वही वहाँ से भी पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट करने के लिए आपको अपना बैंक सिलेक्ट करना है और उसके बाद पे का ऑप्शन नीचे आपको दिख जाएगा। पे करके आपका UPI पिन देकर पे कर सकते हैं। पे करने के बाद आपको मैसेज आ जाएगा बिल पेमेंट का, बिल पेमेंट हो चुका है बोल के मैसेज आ जाएगा। तो दोस्तों ऐसे ही आप अपना बिल पेमेंट कर सकते हैं ऑनलाइन आपके फ्रीचार्ज अकाउंट में से। तो दोस्तों यहाँ पे बिल पेमेंट करने के बाद आपको कैशबैक मिल जाएगा आपके वॉलेट में, तो आप उस पैसे को यूज कर सकते हो बाद में। फिलहाल आज का वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आप समझ गए होंगे कि आप फ्रीचार्ज में से इलेक्ट्रिक बिल पेमेंट कैसे कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो अपनी तरफ से एक लाइक कर दीजिएगा। और दोस्तों ऐसे ही टैक्स से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।